हेलो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स एंड पीपल वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑन ऑनलाइन शाइन ऐप। सो स्टूडेंट्स मेनली वी आर ऑन यूनिट 1 द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज द थर्ड चैप्टर फॉर यू ऑल ऑन मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो थर्ड चैप्टर है मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं। पिछले वीडियोस कौन से थे? द फर्स्ट वन वाज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज टू योर सब्जेक्ट। सेकंड वाज सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन एनी इकोनॉमी एंड द थर्ड टॉपिक जो आज हम लोग करेंगे थ्रू दिस वीडियो इज ऑन कॉन्सेप्ट्स और एलिमेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, सो सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं कि व्हेन आई टॉक अबाउट नेशनल इनकम इट बेसिकली मीन्स व्हाट। ठीक है, डेफिनेशंस आप सबने 11th 12th स्टैंडर्ड से हमेशा पढ़े हो कि नेशनल इनकम मींस द टोटल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी। बट लेट मी टेल यू स्लाइटली इन डिटेल, नेशनल इनकम मेनली टॉक्स अबाउट द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। उसका हर एक चीज जो आपके आसपास आपको अभी भी नजर आ रहा है इंक्लूडिंग योर मोबाइल फोन कंप्यूटर हेडफोन ट्राइपॉड स्टैंड और एनीथिंग दैट यू कैन सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आपका बिल्डिंग आपका सोसाइटी उसका गेट ईच एंड एवरीथिंग विच हैज बीन प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ रॉ मटेरियल टू सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स, उसका जो वैल्यूएशन बनता है तो ये टोटालिटी में जाके नेशनल इनकम बनता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम दैट इज वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज समड अप टुगेदर द सम ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज नेशनल इनकम। हैविंग सेड दैट देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। पहले मैं ये बता दूं नेशनल इनकम तीन तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। वन इज द नेशनल इनकम इटसेल्फ टोटल ऑफ द That is the production itself, जो मैंने अभी शेयर किया कि total of value of production in an economy one. Second is the national income, total of income कि लोग कितना कमा रहे हैं। लोग तभी कमाएंगे जब कुछ लोग खर्चा करेंगे। Therefore national production is equals to national income is equals to national expenditure. ठीक है, इन तीन तरीके से हम national income को measure कर सकते हैं in an economy. Now moving ahead with this, what are the elements of or concepts of national income? The first is personal income. Personal income talks about कि मैं अलग-अलग resource, अलग-अलग sources से कैसे कमा लेता हूँ। So for example, if I am a chartered accountant, so I may earn from my own office. Secondly, I can file return for certain companies, etc. अलग से, right? So first is this. Second is I may work with a company also as an employee. The third one can be I take some certain visiting or guest lectures or seminars in certain colleges, okay, of Mumbai or anywhere mainly. So, ये सारे amounts का total various sources से जो पैसा मैं कमा रहा हूँ, इन सब का total comes sums up to be my personal income. Then comes disposable income. Disposable income वो है कि मेरे personal, मैंने सारे formulas के साथ short notes यहाँ पे share किया कि personal income finally वो हो जाता है जो बेर मिनिमम मेरे टैक्सेस वगैरह को माइनस करके मेरे पास आ जाता है। बट डिस्पोजेबल इनकम इज फाइनली मेरे हाथ में स्पेंडेबल फॉर्म में कौन सा अमाउंट बचता है, दैट इज योर सेकंड कॉन्सेप्ट और एलिमेंट ऑफ नेशनल इनकम। कि सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन पेनल्टीज फाइन्स अगर कुछ गलती हो गई है, मैंने कोई फॉर्म लेट भरा है, कोई एप्लीकेशन लेट भरा है, या तो कोई रूल ब्रेक हो गया मेरे से। अपार्ट फ्रॉम दैट टैक्सेस कॉर्पोरेट टैक्स पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयर करना है मेरे बिजनेस से एंड सो ऑन। तो फाइनली जो बचता है मेरे पास दैट इज माय डिस्पोजेबल इनकम व्हिच आई कैन डिस्पोज एनीहाउ आई वांट स्पेंड। द थर्ड कम्स टू योर पर कैपिटा इनकम। सो पर कैपिटा इनकम की जब मैं बात करूं एज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, इट इज एवरेज इनकम ऑफ एवरी इंडिविजुअल मी एंड यू इन एन इकोनॉमी। तो इसका फॉर्मूला बेसिक है, कैसे जाता है कि टोटल ऑफ नेशनल इनकम हमारे देश का पूरा इनकम डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। एनी कंट्री में पर कैपिटा इनकम ऐसे ही निकाला जाता है। इंडिया का लगभग ऑन एन एवरेज पर कैपिटा इनकम 11 से 12 हजार पर मंथ चल रहा है, जो बहुत अच्छा नहीं है दोस्तों। ये तकरीबन 20-30,000 तक जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज एक नागरिक अच्छा कमा। द नेक्स्ट इज रियल इनकम। रियल इनकम टॉक्स अबाउट कि जैसा आपने देखा होगा आपके बाप दादा फोर फादर्स हमेशा कहते हैं कि हमारे जमाने में 100 रुपए की बहुत कीमत थी, आज तो वैल्यू ही नहीं रहा। तो सेम रियल इनकम इज द मनी दैट यू हैव एट प्रेजेंट कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन रेट। तो आज अगर आपके पास 100 रुपया है, एक साल पहले से अगर मैं कंपेयर करूँ वो एक्चुअली 93 रुपीज है आपके पास। क्यों? क्योंकि 6-7% के हिसाब से इन्फ्लेशन हर साल बढ़ रहा है।
दिस फोर यू हैव टू रिमेम्बर टुगेदर, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, पर कैपिटा इनकम एंड रियल इनकम. हाउ आई रिमेम्बर, जैसा मैं आपसे बिना कहीं पे भी देख के शेयर कर रहा हूँ आपसे. ओके, सो दैट लर्निंग पार्ट यू शुड डेवलप कॉन्सेप्चुअली, प्रैक्टिकली आपको याद रखना. द रेस्ट फोर विच इज गोइंग टू कम इज जो आपने लगभग 11th में पढ़ा, GDP, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. It talks about the formula, आप सबको पता है, students, you all are quite expert in that. C plus I plus G plus X minus M. Consumption expenditure of the people, investments of the people, government expenditure, government जो society के प्रति खर्चा करती है वो या देश के तरफ, okay? Plus exports minus the imports. Because इसमें वही सारे चीजें, वही amounts लेंगे जो देश में खर्चा हो रहा है, देश के लिए खर्चा हो रहा है, okay? देश में is much more important. So C plus I plus G plus exports, but imports निकालने होते क्योंकि वो imported products में कोई और देश में बने, तो वो उनके GDP में आएंगे. So this is about GDP, that is the production domestically done in our economies. The next is NDP. NDP ये था gross domestic product. Next है net domestic product. So net domestic product में से same formula, C plus I plus G plus X minus M, बस depreciation last में minus होगा. इसका मैं हमेशा एक हिंट इसलिए ऐसा देता हूँ कि जब आप ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हो अपना ग्रॉस प्रॉफिट का बैलेंस लेके, तो नेट प्रॉफिट फाइनली कैसे मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? यू डिडक्ट द डेप्रिसिएशन फ्रॉम डेबिट साइड एज वन ऑफ द एलिमेंट. सो सेम तरीके से आपको ये फॉर्मूला ऐसा याद रखना कि जीडीपी से वैल्यू गो टू एनडीपी, डेप्रिसिएशन माइनस होता है. नेक्स्ट कम्स जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. सो इसमें भी जीडीपी का फॉर्मूला एज इट इज रिटन, बट व्हेन आई टॉक अबाउट थिंग्स एट नेशनल लेवल क्या आ जाता है, इसमें नेशनल लेवल में ये आ जाता है कि रिसिप्ट माइनस पेमेंट्स एक फॉर्मूला जोड़ जाता है कि हमारे लोग वो कंट्री में जाके कितना कमा रहे हैं और इंडिया में भेज रहे हैं, और उनके लोग जो यहाँ पे है राइट वो हमारे देश से कितना पैसा वहां लेके जा रहे हैं. तो रिसिप्ट माइनस पेमेंट, इट कैन बी फॉर गुड्स, इट इज मेनली फॉर सर्विसेज फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स सर्विसेज. लास्टली जीएनपी हो गया, तो एनएनपी, एनएनपी में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन एज अ फॉर्मूला. जैसा मैंने आपको कहा जब हम ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा. सो दिस वेयर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम एंड नेशनल इनकम एज योर चैप्टर. द लास्ट आंसर ऑफ दिस चैप्टर जो मैं शेयर करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये मॉड्यूल का और एक चैप्टर करेंगे, दैट इज बिजनेस और ट्रेड साइकिल. इसके एक लास्ट टॉपिक आंसर में बता दूं कि देयर आर सर्टेन शॉर्टकमिंग्स और लूपहोल्स इन हाउ नेशनल इनकम इज मेजर्ड, एंड दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. वन इज कभी कभी डबल काउंटिंग हो जाता है कुछ इनकम का या कुछ एक्सपेंडिचर का, तो गवर्नमेंट हैज टू बी वेरी केयरफुल विद दैट कि नेशनल इनकम एक रॉन्ग अमाउंट ना निकले, क्योंकि उसके हिसाब से सारे पॉलिसीज प्लान होते हैं. द सेकेंड पार्ट इज कि कुछ अमाउंट गवर्नमेंट के निगरानी में नहीं आते, जो अमाउंट हम टैक्स नहीं भरते जब वो ब्लैक मनी में चला जाता है. सो वो अमाउंट पता करना और नेशनल इनकम में ऐड करना काफी मुश्किल हो जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट मैनिपुलेशंस और एनी गिफ्ट गिवन टू समवन, उसका वैल्यूएशन कोई नहीं लगा पाता. अपार्ट फ्रॉम दैट सर्टेन कैपिटल गेन्स, मैंने कोई खरीदा कोई बेचा उसमें जो प्रॉफिट हुआ वो भी एलिमेंट हम या तो शो नहीं करते हैं, या तो कुछ सिस्टम का फायदा उठा लेते हैं लोग कहीं ना कहीं, और राइट इनकम शो नहीं करते हैं. ऑल दिस फैक्टर्स लीड्स टू इश्यूज. सर्टेन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम होते हैं, जो अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट है, पैसों का लेन देन या मंथली पैसा कहीं पे जमा करना फ्रेंड सर्कल में साथ में लेना, उस पर कोई टैक्स भी नहीं भरता बट है तो इनकम. सो ऑल दिस फैक्टर्स नीड्स टू बी कंसिडर्ड, अदरवाइज दिस आर लूपहोल्स और शॉर्टकमिंग्स इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो इन थर्ड चैप्टर ऑफ मॉड्यूल वन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट चैप्टर काफी शॉर्ट है, बिजनेस साइकिल्स. मेरे इमेजेस और पीपीटीज देख के आपकी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगे व्हेन यू लिसन टू दी explanation as well. So stay tuned to online sign up and Professor Rahul Mukherjee's economics lecture. It will be quite interesting till the end. Aur aapko bahut sara practical knowledge dunga because I am associated with corporates as well along with the education sector, being a professor of Mumbai College, that will help you a lot. Okay? So do your preparations and studies very well. Stay tuned. See you all in the next video.